रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो गंगा मैया है, केवट से कहा भैया पार करा दो। केवट ने कहा कि नहीं कराऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? कहा सबको करा दूंगा सरकार, पर आपको नहीं कराऊंगा। राम जी बोले भैया मैंने तेरा कौन सा ऐसा बुरा काम किया है कि तू सबको कराएगा पर मुझे नहीं कराएगा? केवट ने कहा देखो सरकार, तुम्हारे पैरों में जादू है और ये पूरी दुनिया जानती है। राम जी ने कहा कैसा जादू? कहा ऐसा जादू, जब इन चरणों का स्पर्श एक पत्थर पर हुआ तो वो पत्थर भी एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। तुम्हारे चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर जब सुंदर नारी बन गया तो मेरी ये नाव तो लकड़ी की है, मेरी ये नैया भी यदि स्त्री बन गई, सुंदर नारी बन गई, तो भगवान घर में वैसे भी एक नारी है। एक नारी तो जीवन को त्रस्त ब्रस्त और पता नहीं क्या कर देती है, भारी। एक नारी भारी है, दो दो हो जाएंगी, एक को झेलना कठिन पड़ रहा है, दो दो को कैसे झेलूंगा भगवान? एक को झेलना मुश्किल है, दो हो गई लड़ेंगी अलग, और लड़े झगड़े तो ठीक, खिलाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या? एक ही आजीविका का साधन है ये नाव, और ये नाव ही स्त्री बन गई तो मैं क्या खाऊंगा, इन दोनों को क्या खिलाऊंगा? इसलिए सरकार मुझे तो पता है तुम्हारे इन चरणों में जादू है जादू, इसलिए आप जैसे भी जाओ जाओ, मैं नाव में नहीं बिठा लूंगा। राम जी ने कहा भैया कोई तो उपाय होगा? केवट ने कहा बिल्कुल उपाय है। राम जी ने कहा तो बता क्या उपाय है? केवट कहता है सरकार उपाय यही है, सबसे पहले रगड़ रगड़ के गंगा जल से तुम्हारे चरणों को धोऊंगा और उस जल को पीऊंगा, और यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं भी आपका और नाव भी आपका। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितय जान की लखन तन। केवट की प्रेम भरी अटपटी बातों को सुनकर के राम जी मुस्कुरा रहे हैं और कहा चलो तुम अपने ही मन की कर लो, धो लो पैर। एक बार धोए जल पिया, दूसरी बार धोए फिर जल पिया, चार पांच बार राम जी के चरणों को रगड़ रगड़ के धो करके जल पीता है और फिर कहता है अब आप नाव में बैठ जाओ। राम जी नाव में बैठे, केवट ने राम जी को गंगा पार कराया है। जब गंगा पार राम जी हुए तो केवट को उतराई देते हैं एक मुद्रिका अंगूठी। केवट कहता है मैं ये नहीं ले सकता। राम जी ने कहा अरे भैया ये तुम्हारा काम है, नहीं लोगे तो खाओगे क्या? केवट ने कहा नहीं ले सकता। क्यों? कहा आपने एक कहावत नहीं सुनी? कौन सी कहावत? कहा नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। नाई से नाई कुछ लेता नहीं, धोबी से धोबी नहीं लेता। कहने का मतलब ये है जो एक सा काम करने वाले हैं वो आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी ने कहा मतलब ये कि आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूं, हम दोनों केवट हैं। राम जी ने कहा तुम केवट हो ये दिख रहा है, पर मैं केवट कैसे हुआ? केवट ने कहा सरकार आप भी केवट हो, बस आपको पता नहीं है। कहा मैं केवट कैसे? कहा प्रभु फर्क सिर्फ इतना है कि मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप संसार सागर को पार कराने वाले केवट हैं। प्रभु निवेदन इतना है
यदि आप उतराई ही देना चाहते हैं तो उतराई में मुझे ये दे दीजिए, जिस प्रकार से जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा पार कराया है, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे संसार सागर से पार करा देना। भगवान बस इतना दे देना, इतना ही चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान के चरणों की धूल के महत्व को केवट ने समझा। भगवान के चरणों की धूल के महत्व को अहिल्या ने समझा है। गौतम नारी श्राप वश उपल देह दरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर। अहिल्या से पूछा गया चाहती क्या हो, अहिल्या ने कहा कुछ नहीं, ना भगवान को छूना है, ना देखना है, ना पूजा करना, ना पाठ करना, ना तपस्या करना, ना मुक्ति चाहिए, तो क्या चाहिए। कहा चरण कमल रज चाहती, मैं तो राम जी के चरणों की रज को चाहती हूँ, कृपा सिंधु रघुवीर, बस इतना ही चाहिए। तो भगवान के चरणों की धूल को केवट ने समझा, चरणों की धूल के महत्व को माँ अहिल्या ने समझा है, और आज उसी चरणों की धूल के महत्व को ब्रज की गोपियों ने समझ लिया। और गोपियां कहती हैं, धन्या अहो अमियात्यो गोविंदांग्र अब्जुरेनवा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्धन्यो घनोत्तये। गोपियों ने चरणों की रज के महत्व को समझा है।